गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सेकेंड टर्म सिलेबस, चैप्टर 19, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता। सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट, लाइक पॉपुलेशन, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड एक्सेट्रा। नाउ इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत अनेकता में एकता का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ टुगेदरनेस एंड वननेस डिस्पाइट ऑफ वेरियस डिफरेंसेस इन कल्चर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड एक्सेट्रा। दैट मीन्स विविधता में एकता, संस्कृति, जाति, धर्म, पंथ आदि में विभिन्न मतभेदों के बावजूद एकजुटता और एकता की स्थिति को संदर्भित करती है। द कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज स्ट्रेंथन द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधता एकता की अवधारणा से अलग है। इंडिया इज़ द प्लेस ऑफ रीयूनियन ऑफ सेवरल रिलीजन्स, कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया के कई धर्म, रीति रिवाजों और भाषाओं के पूर्ण मिलन का स्थान है। नॉट ओनली दिस बट इवन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। इतना ही नहीं बल्कि भारत की भौतिक विशेषताओं में भी विविधता दिखाई देती है। नाउ कम टू नो देयर फॉलोइंग फैक्टर्स क्लियरली सो दैट इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑलमोस्ट एवरी फैक्टर इंडिया रिमेन्स यूनाइटेड। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। There are people of different races, colors, creeds, cultures, religions and faiths in our country. In spite of these innumerable diversities, the feeling of being an Indian creates a sense of unity and oneness among people. Means विभिन्न नस्लों के लोग हैं जहाँ पंथ की संस्कृति हमारे देश में हाथों और चेहरों को छोड़ती, इन असंख्य विविधताओं के बावजूद भारतीय होने की भावना लोगों में एकता और एकता की भावना पैदा करती है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विथ नियरली अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दिस पॉपुलेशन इज़ द पिवोटल एलिमेंट इन सोशल साइंसेज। मीन्स भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां दुनिया की आबादी का लगभग पांचवा हिस्सा है। यह जनसंख्या सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट थिंक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। बिना लैंग्वेज के हम ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को नहीं समझ सकते। ह्यूमन इंटरैक्शन एंड सोशल लाइफ आर पॉसिबल ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अगर ह्यूमन इंटरैक्शन और सोशल लाइफ पॉसिबल है तो सिर्फ लैंग्वेज के एग्जिस्टेंस के कारण। अगर लैंग्वेज है तो ह्यूमन का इंटरैक्शन है, सोशल लाइफ है। गॉट इट? दस लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। इट मे बी आइदर स्पोकन और रिटन। गॉट इट? दैट मीन्स लैंग्वेज एक मेथड होता है ह्यूमन कम्युनिकेशन का। या तो आप उसे बोल सकते हो और या आप उसे लिख भी सकते हो। द पीपल ऑफ इंडिया हैव रेंज ऑफ लैंग्वेजेस एमोंग देम। देर आर मोर दैन 200 लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में 200 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेज हैं जो हमारे कंट्री में प्रेजेंट किए जाते हैं। इच रीजन हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हर अलग अलग जगहों के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रीय भाषा हैं।
पीपल इन नॉर्थ इंडिया मेनली स्पीक हिंदी लैंग्वेज. नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. वाइल इन साउथ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज द्रविड़ियन सच एज तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नाडा एक्सेट्रा. फर्दर इन वेस्ट बंगाल देर इज प्रोमिनेंस ऑफ बंगाली लैंग्वेज. Besides Hindi or Dravidian languages, there are many other regional languages. In modern times, English has played an important role in unifying the people of our country, as it is the most popular language among the educated Indians. Now, next one is festivals. India is vast country, crores of people live here. यहाँ पे करोड़ ऑफ पीपल्स लीव करते हैं रहते हैं. दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एवरी ईयर एज़ यू नो दैट. ये जो है वो हर अलग अलग ईयर में अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. दीज फेस्टिवल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. गॉट इट. दीज फेस्टिवल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेशनल फेस्टिवल्स, सेकेंड वन इज रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड द थर्ड वन इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. टर्न आउट द पेज नंबर 156 ऑल ऑफ यू एंड जस्ट सी देयर. नेशनल फेस्टिवल्स देयर आर मेनली थ्री नेशनल फेस्टिवल्स. They are of great importance for the whole nation. People of all races and communities celebrate these festivals with pride. These festivals are Republic Day, Independence Day, and the Gandhi Jayanti. These are the national festivals. Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. As we know that. The Constitution of India came into effect on 26 January 1950. That is why we celebrate this day as a festival. इंडिया का अब ये तो सबको पता है कि रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को हर प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग 26 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया था? वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था. दैट इज़ वाई इसी कारण हम लोग इस दिन जो है क्या सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. इन दिल्ली दिस फेस्टिवल हैज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन. अ ग्रैंड परेड इज ऑर्गेनाइज विच शोज डिफरेंट कल्चर्स सिम्बल्स ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ द पावर ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेज एक्सेट्रा. आवर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मॉडर्न वीपन्स एरोप्लेन्स आर पुट ऑन डिस्प्ले एलॉन्ग विथ कल्चरल एंड फोक डांसेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द परेड. नाउ नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे. इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. As we know that India British rule से free हुआ कब, आज़ाद कब हुआ था British rule से India? 15 of August 1947 में. To mark this importance, एक बात का ध्यान रखिएगा, dates को ज़रूर याद रखिएगा. 15 August 1947 को India को freedom मिली थी British rule से. और ठीक 26 January 1950 में India का constitution लागू हुआ था. गॉट इट. दैट्स वाई हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को. एंड इंडिपेंडेंस डे हम लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन इंडिया को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से. टू मार्क दिस इंपॉर्टेंस occasion we celebrate Independence Day on 15th of August every year. On this day we pay our tributes to martyrs and freedom fighters of our country who got freedom for us. We pledge to remain independent and participate in our nation's growth. इस दिन हम लोग अपने हमारे कंट्री के जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो भी वो महान लोग जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए अपनी आहुति दी उन्हें हम एक ट्रिब्यूट देते हैं इस दिन. लाइक अ श्रद्धांजलि यू कैन से दैट वी प्लेज टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड पार्टिसिपेट इन आवर नेशंस ग्रोथ. हम लोग इस दिन प्लेज करते हैं कि हमारा जो ये नेशन है, हमारा जो ये कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट रहे हमेशा.
इन दिल्ली द बिगेस्ट सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस एट द हिस्टोरिकल रेड फोर्ट. आवर प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेसेस द पीपल. नाउ गांधी जयंती. महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द 20th century. वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हैं 20th century के. ही वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ अहिंसा एंड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ही लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस. ही वॉज द फ्रंट रनर इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमें आज़ादी दिलाने के लिए वो फ्रंट रनर कहला चुके हैं. वो उन्हें फ्रंट रनर के नाम से जाना जाता है. मतलब कि अगर आज हम आज़ाद हैं और हमें आज़ादी मिली है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ गांधी जी का है. महात्मा गांधी हमारे अगर हमारे लिए उन्होंने ये सारा कुछ नहीं किया होता, उन्होंने आगे बढ़कर हमें आज़ादी दिलवाने का प्रण नहीं लिया होता तो शायद आज हमें आज़ादी ना मिली होती. सो दैट्स वाई द पीपल सेड दैट ही वॉज द फ्रंट रनर इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. और लोग उन्हें फादर ऑफ द नेशंस भी कहते हैं. उन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें फ्रीडम दिलाया है. His birth anniversary is celebrated as Gandhi Jayanti all over the country. और उनके बर्थ के डेट को हम लोग गांधी जयंती के नेम से सेलिब्रेट करते हैं. पूरे कंट्री में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती के नेम से. Now, next is religious festivals. So there is Diwali, Dashera, or you can say that Vijayadashmi, Eid al-Fitr, Christmas or Christmas Day, गुरु पूरब. दीज आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चर्स एंड रिलीजन्स एंड बेस्ड ऑन दीज रिलीजन्स एंड कल्चर्स पीपल सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स. हेयर द हिंदू, द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम, द ज्यूज, द बुद्धिस्ट, द जैंस एंड द पारसीज, और यू कैन से दैट पारसी कम्युनिटी, ऑल लिव टुगेदर इन यूनिटी एंड हारमोनी. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स. इंडिया जो है वो मल्टीपल्स कल्चर और रिलीजन्स का जगह है, लैंड है, जहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो हैं वो अलग अलग कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हैं. अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग कल्चर्स और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. हिंदूज के अलग कल्चर्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, सिख के अलग होते हैं, क्रिश्चियंस के अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं. ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनके अलग अलग कल्चर्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जिन्हें वो सेलिब्रेट करते हैं. नाउ द फर्स्ट इज दिवाली. दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और देन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लीट एंड क्रैकर्स और फायरवर्क्स आर सेट ऑफ. दिवाली इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड रामास रिटर्न टू द किंगडम ऑफ अयोध्या आफ्टर हैविंग स्पेंट 14 ईयर्स एग्जाइल. ये जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो किस ओकेज़न पर बेसिकली मनाया जाता है? मीन्स भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास से लौट कर अयोध्या वापस आए थे तब दिवाली जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था. मतलब ये जो दिवाली फेस्टिवल है वो हम लोग किस ओकेज़न पे मनाते हैं, किस चीज़ को याद करके मनाते हैं? बेसिकली ये जो दिवाली मनाना स्टार्ट हुआ था, ये भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास से लौटे थे अयोध्या, तब सारे घरों में दिए और हर जगह लाइट्स वगैरह जलाए गए थे उनकी आने की खुशी में. तो इसी दिन को याद करते हुए लोग आज भी हर जगह दिवाली जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल. यूजुअली दिवाली फॉल्स बिटवीन मिड अक्टूबर एंड मिड नवंबर. बेसिकली इसे हिंदू फेस्टिवल माना जाता है और इसे मोस्ट ऑफ द पॉपुलर हिंदू ही मनाते हैं. ये मिड अक्टूबर से स्टार्ट होता है मिड नवंबर तक. दिस फेस्टिवल सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस. नाउ नेक्स्ट इज दशहरा और विजयादशमी. दशहरा और विजयादशमी और 10th day ऑफ नवरात्रि और दुर्गा उत्सव इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल. दिस इज़ ऑल्सो द हिंदू फेस्टिवल्स.
दिस फेस्टिवल रिफर्स टू लैंड रामाज विक्ट्री, सॉरी लॉर्ड रामाज विक्ट्री, नॉट लैंड, बाई मिस्टेक आई हैव यूज दैट वर्ड. सो दिस फेस्टिवल रिफर्स टू लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर द 10 हेडेड डेमन किंग रावण. दिस डे ऑल्सो इंडिकेट्स द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द डेमन महिषासुर. इफिजिस ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ड. अब इस दिन जो है विजयादशमी के दिन आपने सुना होगा दशहरा और विजयादशमी, और आप उसे 10th डे भी बोला जाता है. नवरात्रि और दुर्गा उत्सव का जो 10वां दिन होता है वो दशहरा या फिर विजयादशमी कहलाता है, और ये हिंदू का मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल होता है. दिस फेस्टिवल रिफर्स टू लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर द 10 हेडेड डेमोन किंग रावण. दिस डे ऑल्सो इंडिकेट्स द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द डेमोन महिषासुर. यह त्यौहार भगवान राम की 10 प्रमुख राक्षस राजा रावण की जीत को दर्शाता है. यह दिन राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का भी संकेत देखता है. इफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ड. इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जलाया भी जाता है. नेक्स्ट इज ईद उल फितर. ईद उल फितर इज ऑल्सो कॉल्ड फीस्ट ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट. इट मार्क्स द एंड ऑफ रमदान, द इस्लामिक होली मंथ्स ऑफ फास्टिंग. रमदान एंड्स विद द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर. ईद में सभी लोग क्या करते हैं, लंबे समय का फास्ट रखते हैं, जिसे जिसे जिसका जो लास्ट डे होता है ना, जब ये एंड होता है, जब इस मंथ का फास्ट, जब ईद में जब मुस्लिम्स लोग, बेसिकली ये मुस्लिम फेस्टिवल्स है, तो जब ईद में मुस्लिम लोग लंबे समय का फास्ट रखते हैं करीबन एक मंथ, वन मंथ, तो लास्ट डे जो होता है वो रमदान कहलाता है, और इसे द इस्लामिक होली मंथ ऑफ फास्टिंग भी कहा जाता है. रमदान एंड्स विद द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर. On the day of Eid, Muslims gather early in the morning in mosque to perform the Eid prayer. Eid के दिन Muslims जो हैं वो इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह मस्जिद के अंदर Eid के prayer को करने के लिए. After the Eid prayer, Muslims give gifts to children and visit their relatives and friends. Eid prayer ओवर होने के बाद मुस्लिम्स जो हैं वो गिफ्ट्स देते हैं बच्चों को, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के यहाँ विजिट करते हैं. ईद उल फितर इज़ साइनोनिम्स विथ ब्लिस एंड थैंक्स गिविंग. गॉट इट. नेक्स्ट इज क्रिसमस और क्रिसमस डे. क्रिसमस और क्रिसमस डे इज़ एन एनुअल फेस्टिवल. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर टू मार्क द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट. ये 25th दिसंबर को मनाया जाता है जीसस क्रिस्ट के जन्मदिन के अवसर पर. इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल सेलिब्रेशन एमोंग बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब. सांता क्लॉज इज एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग गिफ्ट्स टू चिल्ड्रेन, क्रिसमस म्यूजिक एंड कैरोलिंग, एक्सचेंज ऑफ क्रिसमस कार्ड्स, चर्च सर्विसेज, डिस्प्ले ऑफ क्रिसमस ट्रीज अलॉन्ग विद क्रिसमस लाइट्स and decoration are the main attraction. And the last one is Guru Purab. Guru Purab in Sikh tradition, ये जो Guru Purab festival है ये Sikh लोग celebrate करते हैं, is one of the most sacred festivals. The celebration in the Sikh religion revolve around the birth of first Sikh Guru, Guru Nanak ji, and the anniversaries of the 10 gurus. Their birthdays are known as Guru Purab. These are holy occasion for celebrations and prayers for the Sikh community. Means ये जो celebration है वो Sikh लोग, Sikh religions मनाते हैं, celebrate करते हैं. किस संदर्भ में? तो ये फर्स्ट सिख गुरु जो थे, जैसे कि गुरु नानक जी और एंड द एनिवर्सरीज ऑफ द 10 गुरुज, देयर बर्थडेज आर नोन एज गुरु पूरब. अखंड पाथ ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब इज हेल्ड इन द गुरुद्वारास. इट इज़ अ 48 hours नॉन स्टॉप रीडिंग ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब. यूजुअली द सेलिब्रेशन स्टार्ट विथ प्रभात फेरीज
द वॉलंटियर्स अरेंज लंगर अ कम्युनिटी लंच एट द गुरुद्वारास इन द स्पिरिट ऑफ सेवा सर्विस एंड भक्ति डिवोशन. अब इस दिन लोग लंगर भी अरेंज करते हैं, वहाँ पे सारे सिख समुदाय इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे लंगर उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जाता है. यू कैन से दैट कम्युनिटी लंच, जहाँ सिख समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के एक साथ लंच करते हैं, उसे हम लंगर कहते हैं. तो इस दिन जो है गुरुपूरब फेस्टिवल के अवसर पे लंगर का आयोजन किया जाता है और सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ पर इकट्ठे बैठ करके इसका लुत्फ़ उठाते हैं, भोजन करते हैं एक साथ. कहाँ पर? गुरुद्वारास में. इन द स्पिरिट ऑफ सेवा सर्विसेज, यू कैन से दैट द सेवा सर्विसेज एंड द डिवोशंस. नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. दीज आर होली, बैसाखी, पोंगल एंड ओनम. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर दोज फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड व्हेन अ गुड क्रॉप्स ग्रोज एंड बिकम्स रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स तब मनाया जाता है जब न्यू क्रॉप्स जो होते हैं, अच्छे अच्छे धान जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, गुड क्रॉप्स ग्रो करने लगते हैं और वो रेडी होते हैं हार्वेस्ट करने के लिए. ठीक है. दीज आर सेलिब्रेटेड एट द हार्वेस्टिंग टाइम्स ऑफ द ईयर. डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को ध्यान में रख के. सम मोर पॉपुलर वंस आर गिवन बिलो. कहीं पे होली, कहीं पे पोंगल, कहीं पे वैसाखी, कहीं पे ओनम. गॉट इट. नाउ होली इज़ वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री. इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ फुल जील इन द मंथ ऑफ मार्च. इट इज़ स्प्रिंग फेस्टिवल फुल ऑफ कलर्स. ये मार्च मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. ये फुल ऑफ कलर्स फेस्टिवल्स होता है. कलर ऑफ, ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स माना जाता है. ऑन द ईव ऑफ होली पीपल लाइट अ बोनफायर विच इज़ कॉल्ड होलिका. दे सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड एवर, गुड ओवर एवल. अब होली के इवनिंग में लोग लाइट को बोनफायर करते हैं और जिसे हम होलिका कहते हैं. ये इसलिए किया जाता है, होलिका का जो प्रोसेस होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि लोग ऐसा मानते हैं कि ये विक्ट्री होती है गुड ओवर एविल, मतलब जो एविल होते हैं ना उसके ऊपर ये अच्छी विक्ट्री होती है, अच्छाई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जिसे हम कहते हैं, राइट. इसलिए होलिका का जो प्रोसेस होता है वो होली के इवनिंग में किया जाता है, जिसे हम होलिका दहन भी कहते हैं. होली को जलाया जाता है. होलिका दहन को मतलब कि वहाँ पे आप देखे होंगे कि होली के ईव में होलिका दहन नाम से लोग जब जाते हैं वो छोटी छोटी बड़ियाँ बना करके ले जा करके उसे जलाते हैं. लोगों का मानना है कि इस प्रोसेस को करने के दौरान उनका मानना है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है. सो ऑन द नेक्स्ट डे पीपल स्प्रे कलर्स ऑन, मतलब ये होली के एक दिन पहले होता है, नॉट ऑन द होली. ठीक है. होली के एक दिन पहले शाम में लोग ये होलिका दहन वाला प्रोसेस करते हैं ताकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो. एंड नेक्स्ट डे लोग क्या करते हैं कि कलर्स को स्प्रे करते हैं एक दूसरे के ऊपर, गुलाल से अप्लाई करते हैं स्कूल्स में, शॉप्स में, ऑफिस में. रिमेन क्लोज ऑन दिस डे. जब लास्ट डे होता है स्कूल और ऑफिस क्लोज होने का, शॉप्स क्लोज होने का, तो लोग गुलाल अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, सेलिब्रेट करते हैं होली जैसे फेस्टिवल्स को. वुमेन प्रिपेयर गुजिया, मठरी एंड स्वीट्स फॉर द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. चिल्ड्रेन इन्जॉय दिस फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स टू द फुलेस्ट. अब वुमेन्स जो होती हैं वो खाने के आइटम्स में लगी रहती हैं उस दिन पूरे दिन. गुजिया, मठरी एंड डिफरेंट टाइप के स्वीट्स वो बनाती हैं फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए. बच्चे कलर्स इन्जॉय करते हैं. पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज ऑल्सो इन्जॉय दिस कलरफुल फेस्टिवल्स. दिस फेस्टिवल्स गिव्स अ मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड इन सोसाइटी. अब ये जो फेस्टिवल है बेसिकली होली का, ये हमें क्या मैसेज देता है? ये हमें फ्रेंडशिप और भाईचारा का मैसेज देता है कि हमें अपने सोसाइटी में एकता और अपनापन रखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ बैसाखी. बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब. पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट इट ऑन 13th April एवरी ईयर. ये जो बैसाखी फेस्टिवल है ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है. पंजाब के जो लोग हैं इसे 13th अप्रैल को, हर साल 13th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं. व्हेन इट इज़ अ टाइम टू हार्वेस्ट द वीट क्रॉप. जब वीट क्रॉप को काटने की बारी आती है, समय आता है, तब लोग
वैसाखी जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। पीपल इस दिन डांस करते हैं, बीट ऑफ ढोल एंड परफॉर्म भांगड़ा। वहाँ के लोग ढोल के बीट्स पे भांगड़ा करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पोंगल। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल्स तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं बाय वर्शिपिंग द सन रेन एंड कैटल ओवर 4 days। सूरज भगवान की इस दिन ये लोग पूजा करते हैं, रेन की एंड द कैटल ओवर 4 days, और गाय के जो बछड़े होते हैं ना उसकी वो लोग 4 दिन तक पूजा करते हैं। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल है, इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओनम। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द केरला पीपल। केरला के जो लोग हैं वो ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। स्नैक बोट रेस इज फेमस इन केरला विच इज़ हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिस फेस्टिवल। नाउ नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स। यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 160। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री विथ डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड यूसेज। जनरली फूड हैबिट्स इन आवर कंट्री आर बेस्ड ऑन रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड रीजन। इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर्स होते हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, और वहाँ सभी रीजन्स के अलग अलग रिलीजन्स के कल्चर्स के अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। इंडियन फूड इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड एजेस। स्पाइसनेस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फूड। इंडियन फूड की एक खासियत है कि उसमें स्पाइसनेस होती है। इंडियन फूड में क्या होती है, स्पाइसनेस होती है, ये उसकी खासियत है, ये बेसिक फीचर है इंडियन फूड का। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री चपातीज मेड फ्रॉम फ्लोर ऑफ वीट। कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट्स में चपातीज जो है वो आटे के वो जो गेहूं का आटा होता है उससे बनाते हैं, या फिर आप चने का आटा ले लो, मकई का आटा ले लो, बाजरे का ले लो, मेज़ का ले लो, और सब विद दाल। और इनको जो है मतलब इनकी जो चपातियाँ लोग बनाते हैं, आटे की जो चपातियाँ बनाते हैं, या फिर चने के आटे की, या बाजरे की रोटी, या फिर मेज की रोटी, आपने सुनी होंगी, इन सब की जो लोग रोटियाँ चपातियाँ बनाते हैं वो दाल और वेजिटेबल, करी, चटनी, कर्ड, इन सब के साथ वो सर्व करते हैं। डिज़र्ट में वो क्या करते हैं, डिज़र्ट इज़ ऑल्सो ईटन आफ्टर द मील। अब वो लोग खाने के बाद डिज़र्ट भी लेते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया राजस्थानी एंड गुजराती फूड हैज़ इट्स ओन फ्लेवर। अब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में देखा जाए तो राजस्थानी और गुजराती फूड जो होते हैं उनका एक अपना ही फ्लेवर होता है, एक अपनी स्पेशलिटी होती है। इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आप देख लो कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में इडलीज और डोसाज जो है वो बहुत पॉपुलर होते हैं। यहाँ भी ये चीज़ बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी खाए होंगे, आई एम मेक श्योर। तो इडलीज और डोसाज जो है वो इंडिया के साउदर्न पार्ट का फेमस फूड है। नॉन वेजिटेरियन चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल डिशेज आर ऑल्सो ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनली इंडियन फूड इज ईटन विद द राइट हैंड फिंगर्स। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इंडियन फूड जो होता है वो राइट हैंड फिंगर्स से खाया जाता है। नाउ इट इज़ पीपल आर यूजिंग कटलरी फॉर ईटिंग फूड। अब आज के दिनों में देखा जा रहा है कि लोग कटलरी यूज़ करते हैं खाने के लिए। इन आवर कंट्री देयर आर 3 main meals। वो कौन से हो गए फिर, विच आर ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग मील, यू कैन से दैट, और As you know that also, of course, कि morning time में हम लोग क्या करते हैं, breakfast करते हैं, midday meal, lunch करते हैं, and the evening meal, dinner करते हैं। तो ये हमारे country में कुछ ये हमारे country में 3 meals हैं जो हम लोग time to time लेते हैं, that means कि breakfast, lunch and dinner। So these are the last topic and your chapter has finished now। So hope whatever I have taught you in this chapter, you all have understood this properly. Now your chapter has finished. So till then, bye-bye, take care and ready for the next classes. Thank you.